खबर राजधानी देहरादून से, जहां प्रदेश उत्तराखंड के तमाम सफाई कर्मचारियों ने मिलकर अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि तमाम सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा जैसी अन्य मांगों को लेकर शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके तहत अब ये सभी कर्मचारी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो ये पूरी तरह से अपने काम को बंद कर देंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज अंतिम युद्ध है और कोई भी निर्णय नहीं लेती है सरकार, तो हमें सब कुछ भी करना पड़े और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे। सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी। कोई भी पूरी पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जो कि सरकार अपने आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, किसी तरीके का भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कई बार उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं राणा कोटी, उन्होंने हमें पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि 21 तारीख को हम आपकी वार्ता कराएंगे। ऐसा कोई भी वार्ता उन्होंने नहीं कराई हमारी, जिससे कोई भी हमें जो आश्वासन मिल पाता।